मैं मीनल हातेकर एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आज की कुछ खास खबर देखते हैं हेडलाइन के साथ। राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है सरकार, चेलमेश्वर। बोध गया में मिला एक ऑस्ट्रेलिया युवक का शव, नेताओं ने कहा पार्टी को अलविदा। तो अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है। उन्होंने कहा है कि विधायी प्रक्रिया द्वारा अदालती फैसलों में अवरोध पैदा करने के उदाहरण पहले भी सामने आए हैं। बोधगया थाना क्षेत्र के राजापुर गांव के एक बगीचे में पेड़ से लटका हुआ शव मिला। इस सूचना से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। मौके पर कई सामान भी बरामद हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शव एक विदेशी पर्यटक का था। लोकसभा सांसद दुष्यंत चौटाला और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निकाले जाने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल में भगदड़ मच गई। आज बड़े ही मैं तो कहूँगा दुर्भाग्य की बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद दुष्यंत चौटाला जी, एक बहुत ही कर्मठ और सुशासित सांसद रहे हैं और उन्होंने हर कदम पर इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत किया है। और जहाँ अनुशासनहीनता की बात आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुष्यंत चौटाला जी बहुत सुलझे हुए सांसद हैं। वो हरियाणा में टॉप नंबर 1 पर सांसद रहे हैं और पूरे देश में टॉप 10 पर उनका एक सर्वे में आया है। और दुष्यंत चौटाला जी ने सड़क से लेकर संसद तक हर व्यक्ति का, हर वर्ग की आवाज़ उठाई है। और आज उनके जो निष्कासन पर हमें दुख है, दर्द है, इसलिए हम भी दुष्यंत चौटाला जी के साथ खड़े हैं कि वो युवाओं के भविष्य को लेकर इस प्रदेश और देश को उच्च बुलंदियों तक पहुँचाए। मैं 10-15 साल से इनेलो में सक्रिय हूँ। खबरों में आज तक इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।